CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम पशु पक्षी भाग 2। ओ पंछी आए के बिन दांतों के चोंच लड़ाते पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए ओ पंछी आए ओ पंछी आए पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए दो पैरों के पंछी आए बिना कान के बिन दांतों के चोंच लड़ाते पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए ओ पंछी आए देखो ये चौपाए आए देखो ये चौपाए आए कैसे कैसे हैं चौपाए दो कानों के चार पैर के दांतों वाले हैं चौपाए अजब अजब चौपाए आए अजब अजब चौपाए आए ओ पंछी आए आज बड़े अनोखे और विचित्र पशु पक्षी आए हैं आओ तुम्हें उनसे भी मिलवाएं अरे 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 ये कौन सा पशु है कंगारू कंगारू की क्या खास बात है बताएं इसके पेट के बाहर एक थैली होती है जानते हो इस थैली में मादा कंगारू क्या रखती है अपने बच्चों को जब कभी दौड़ना भागना हुआ इस थैली में डाल दिया बच्चे को और उड़न छू अब चाहे कितना भी उछले कूदे बच्चा इस थैली में से नहीं गिरता दोस्तों है ना कंगारू विचित्र जीव इसकी एक और विचित्रता है पीछे के पैर तो होते हैं काफी लंबे और आगे के पैर एकदम छोटे दोस्तों कभी जाकर चिड़ियाघर में देखना कंगारू को हां अब एक विचित्र पक्षी की बात सुनो इसे कहते हैं शुतुरमुर्ग दोस्तों शुतुरमुर्ग के पंख तो होते हैं पर बेचारा पंख रहते भी पशु के समान है इन पंखों से वो बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता हां बस उचक उचक कर दौड़ता चलता है ये इतना ऊंचा होता है कि आदमी घोड़े की तरह इस पर सवारी कर ले अच्छा दोस्तों ये तो बताओ कि जानवरों में किसकी गर्दन लंबी होती है बोलो 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 हां ऊंट की अच्छा दोस्तों एक और जानवर है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है बहुत लंबी वो है जिराफ कौन है जिराफ जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने का बहुत शौक है इसीलिए भगवान ने इनकी गर्दन लंबी कर दी इतनी लंबी कि जंगल में कहीं इसका शरीर ना देखो और डाली पर केवल उचकती गर्दन को देखो तो तुम्हें सांप का भ्रम हो जाए अरे रे 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 अब ये कौन आया ऊंट नाना ऊंट नाना ऊंट नाना ऊंट नाना लेके भार कहां है जाना पेट में है कैसी ये खोल
इतना सारा जल है वो। ऊट नाना ऊट नाना, ऊट नाना ऊट नाना। हाँ भाई, ऊंट नाना भार तो बहुत ढोते हैं, इसीलिए इनको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। पानी के जहाज पर जितना चाहो उतना वजन लाद दो, पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज केवल भार ढोने के कारण ही नहीं कहते। अरे भाई, भार तो गधा भी ढोता है, है? पर गधे को उतार दो रेगिस्तान में तो घंटे भर में ही इसका काम तमाम हो जाएगा। तो तुम जानना चाहोगे कि ऊंट में कौन सी खास बात है? दोस्तों, ऊंट के पेट में एक थैला होता है, उसी में वो कई दिनों तक पीने के लिए पानी भर लेता है। रेगिस्तान में पानी तो मिलता नहीं, उसी पानी से उसका काम चलता रहता है, है ना ये विचित्र बात? ऐसी विचित्र बातें कई पशु पक्षियों में हैं। एक पक्षी होता है उल्लू, सबको तो दोस्तों दिखाई देता है दिन में, पर इन हजरत को रात में दिखाई देता है। भाई, अब तक तो तुमने जमीन के पशु पक्षियों की बात सुनी। कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो पानी को पसंद करते हैं, नाम तो बताओ कुछ ऐसे पशुओं के, है? नहीं मालूम? एक जीव है गैंडा, नाम सुना है? गैंडा। गैंडे को पानी में रहना ही ज्यादा पसंद है। गैंडे की खाल दोस्तों बड़ी मोटी होती है। अच्छा दोस्तों, पानी के एक और विचित्र जानवर की बात सुनो। इसका नाम है दरियाई घोड़ा। क्या नाम है? दरियाई घोड़ा। ये हजरत घोड़े की शक्ल के होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा दरियाई घोड़ा। ये अफ्रीका की नदियों में पाए जाते हैं, पर कहीं घोड़ा समझकर तुम सचमुच इस पर सवारी नहीं कर लेना, नहीं तो तुमको लिए लिए ही ये उतर जाएंगे पानी में। हाँ दोस्तों, अब पानी के पक्षियों के बारे में तुम्हें बताते हैं। पानी में रहने वाले कई छोटे बड़े पक्षी हैं। बतख तो तुमने जरूर देखी होगी, देखिए ना, बेचारी तैरती रहती है पानी में। जो बतख पालते हैं उनकी बतखें दिन में किसी तालाब या सरोवर के पास चली जाती हैं, दिन भर पानी में तैरती हैं, खेलती हैं, और शाम होते ही क्या करती हैं? शाम होते ही घर लौट आती हैं, जैसे पालतू पशु। गाय भैंस दिन भर इधर उधर रहने के बाद शाम को अपने मालिक के घर लौट आते हैं ना, ऐसे ही बतखें भी लौट आती हैं। समुद्र के किनारे पानी के बहुत सारे पक्षी होते हैं। कभी कभी ये झुंड बनाकर ऊंचे उड़ते हैं तो लगता है बादल का कोई टुकड़ा ही तैरता जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अब तुम्हें कुछ पशु पक्षियों की विचित्र आदतों के बारे में बता दें। क्या तुम जानते हो कि पक्षी भी यात्राएं करते हैं, लंबी लंबी यात्राएं? कुछ ऐसे पक्षी हैं जो सैकड़ों मील की यात्राएं करते हैं। जाड़े में वे गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं, और गर्मी में ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं। उत्तर में साइबेरिया एक ठंडा प्रदेश है, वहां के कुछ पक्षी जाड़े में हमारे देश में चले आते हैं और गर्मी शुरू होते ही फिर साइबेरिया को लौट जाते हैं। इसी तरह बाघ और सिंह के समान पशु शिकार के लिए बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं। हाँ, एक जंगल में शिकार खत्म हुआ तो वहां के बाघ फिर कई मील दूर के जंगलों में चले जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से कुछ पक्षी झुंड में उड़ते हैं, उसी तरह कुछ पशु भी झुंड बनाकर चलते हैं। झुंड बनाने में सबसे तेज हैं हाथी, हिरण और लकड़बग्घा। कौन कौन? हाथी,
हिरण और लक्कड़ बग्घा। हाथियों में जवान और सबसे ताकतवर हाथी आगे रहता है, बीच में कमजोर और बूढ़े हाथी रहते हैं। लक्कड़ बग्घों के झुंड तो बाघ और शेर को भी डरा देते हैं। वे इनसे डरकर अपना मारा हुआ शिकार भी छोड़कर भाग जाते हैं और फिर ये लक्कड़ बग्घे मौज से छक कर खाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक भेद की बात तुम्हें बताएं। कुछ बातों में कुछ पशु पक्षी एक दूसरे के कान काटते हैं। कुत्ता ज्यादा सूंघता है तो कबूतर ज्यादा देखता है। ये तो तुम जानते ही हो कि कुत्ता कितनी भी नींद में हो, दूर से भी किसी के आने की आवाज सुनकर भौंकने लगता है। तुम्हारी गंध से ही तुम्हारी आहट मिल जाती है उसे। अरे भाई, इसीलिए तो चोरी के सामान का पता लगाने के लिए पुलिस कुत्तों की मदद लेती है। इसी तरह कबूतर को सैकड़ों मील दूर भी छोड़ दो तो वे घर लौट आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये ऊंचे उड़कर भी काफी दूर तक देख लेते हैं। अब तो ये भी कहा जाता है कि इनमें चुंबक की तरह की कोई चीज होती है जिससे ये अपने स्थान को खोज लेते हैं। दोस्तों, एक पक्षी ऐसा और है जो दूर की चीज देख लेता है, वो है गिद्ध। क्या है? गिद्ध। कहीं कोई जानवर मरा कि आसमान में ऊंचे गिद्ध मंडराने लगे और उतर पड़े लाश के पास। तो दोस्तों, बड़ी विचित्र है पशु पक्षियों की ये दुनिया। बहुत से ऐसे पक्षी हैं इस संसार में जिनके बारे में तो तुम पूरी तरह जानते भी नहीं हो, पर हाँ, कभी तुम्हें बताएंगे उनके बारे में भी। ओ पंछी आए, चोंच लड़ाते पंछी आए, कैसे कैसे पंछी आए। ओ पंछी आए, ओ पंछी आए, पंछी आए, कैसे कैसे पंछी आए। दो पैरों के पंछी आए, बिना कान के बिन दांतों के। चोंच लड़ाते पंछी आए, कैसे कैसे पंछी आए। देखो ये चौपाए आए, देखो ये चौपाए आए, कैसे कैसे हैं चौपाए। दो कानों के, चार पैर के, दांतों वाले हैं चौपाए। अजब अजब चौपाए आए, अजब अजब चौपाए आए। वो पंछी आए, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।